ये वक्त हो चुका है अपडेट बाजी का एंड लिटरली इस वीक काफी अच्छी अपडेट्स आई हैं, जहां मैं आपको पहले अपडेट्स का हिंट दे दूं जिससे आपका इंटरेस्ट वीडियो में बना रहे। जहां हम बात करेंगे स्पाइडरमैन 4 मूवी के न्यू डायरेक्टर की, मून नाइट का सीजन 2 कब आएगा, और पता है पीक ब्लेंडर की मूवी आ रही है, नोबडी 2 मूवी भी और स्ट्रेंजर थिंग्स का फाइनल सीजन भी। भाई सही में बात करने के लिए काफी कुछ और काफी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं। सो अच्छे से मूवी एंड सीरीज की जानकारी रखने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखना। एंड एज ऑलवेज शुरुआत करते हैं मार्वल की अपडेट से। वेल इस वीक एमसीयू से रिलेटेड ज्यादा अपडेट नहीं आई है, बट जो भी आई है वो काफी इंटरेस्टिंग है। सीम्स लाइक मे बी जॉन वॉट्स स्पाइडरमैन 4 मूवी को डायरेक्ट नहीं करेंगे, एंड इट वुड बी बैड न्यूज अगर ये रूमर स्पेकुलेट नहीं होते। एंड मार्वल स्टूडियो कंसीडर कर रहा है कि स्पाइडरमैन 4 मूवी को ड्रू गार्डन डायरेक्ट करेंगे, एंड ये बंदा वही है जिसने नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल सीरीज डायरेक्ट करी है, और ये बंदा डिफेंडर्स सीरीज एंड डेयरडेविल सीरीज का एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर एंड राइटर भी रह चुका है। एंड एज वी नो स्पाइडरमैन 4 मूवी ग्राउंडेड अप्रोच की होगी, सो ऐसे में स्पाइडरमैन 4 मूवी के लिए ड्रू गार्डन परफेक्ट कैंडिडेट होते हैं, क्योंकि ये बंदा फैंस को स्ट्रीट लेवल की वेल मेड सीरीज प्रोवाइड कर चुका है। और अगर सब कुछ सही चला स्पाइडरमैन 4 मूवी के साथ, तो उम्मीद की जा सकती है कि हमें वेल मेड स्ट्रीट लेवल स्पाइडरमैन 4 मूवी देखने को मिल सकती है, जहां स्पाइडरमैन 4 मूवी में स्पाइडरमैन टीम अप करेगा डेयरडेविल के साथ। और अगर आपको स्पाइडरमैन 4 मूवी की और भी डिटेल्स जाननी है, तो आई बटन पे जो वीडियो शो हो रही है उसे जरूर चेकआउट करना, और आपके क्या थॉट्स हैं स्पाइडरमैन 4 मूवी की इस अपडेट को लेकर कमेंट में जरूर बताना। एंड नाउ मूव करते हैं मून नाइट के सीजन 2 की अपडेट पर। एज बीन मून नाइट के सीजन 1 आने के बाद मून नाइट के डायरेक्टर एंड एक्टर ने फैंस को कई बार टीज किया था कि सीजन 2 आएगा, एंड फैंस को इससे बिलीव भी है कि सीजन 2 आएगा। एंड नाउ अपडेट निकल कर आई है कि मून नाइट के सीजन 2 में मार्क स्पेक्टर एंड स्टीफन ग्रैंट इन दोनों की पर्सनालिटी के मुकाबले जैक लॉकली की पर्सनालिटी पे ज्यादा फोकस किया जाएगा सीजन 2 में। एंड जैक लॉकली मार्क स्पेक्टर की वही पर्सनालिटी है जो हमें मून नाइट के सीजन की एंडिंग में देखने को मिला था, और इसी क्लिफ हैंगर पे ये सीजन खत्म कर दिया गया था। एंड सीजन 2 में जैक लॉकली की पर्सनालिटी पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। एंड लैलिया एल्फाली एक स्कारलेट स्कैरब भी सीजन 2 में रिटर्न आएंगी, एंड सीजन 2 सीजन 1 के मुकाबले ज्यादा मैच्योर एंड ग्रिटी टोन का होगा। एंड एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मून नाइट के सीजन 2 हमें 2026 तक देखने को मिल जाएगा, जिसमें लिटरली काफी समय है। बट क्या आप लोग मून नाइट के सीजन 2 के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। आयरन फिस्ट, और लगता है कि एमसीयू इस कैरेक्टर में कुछ फेरबदल करने वाला है। आयरन फिस्ट कॉमिक में एक मेल कैरेक्टर है, बट एमसीयू में इस कैरेक्टर का जेंडर चेंज कर दिया जाएगा और ये एक फीमेल कैरेक्टर होगा। और साथ ही कहा जा रहा है कि फीमेल आयरन फिस्ट एमसीयू की अपकमिंग एनिमेटेड सीरीज आइस ऑफ वकांडा सीरीज में अपीयर होगा, और इस सीरीज में इस कैरेक्टर का नाम होगा जनोरा, जो वकांडा नेम बादशाह के साथ मिलकर काम करेगा। और आइस ऑफ वकांडा एनिमेटेड सीरीज हमें इसी साल 2024 को ही देखने को मिलेगी। नाउ बात करते हैं डीसीयू की अपडेट्स की। एंड सेट 2 से इस वीक डीसीयू की ज्यादा अपडेट नहीं आई है, बट जो भी आई है पता नहीं तो पड़ेंगी, सो बताता हूँ। डीसीयू के माई बाप जेम्स गन ने कंफर्म किया है कि सुपरमैन लेगेसी डीसीयू का ओनली प्रोजेक्ट नहीं होगा, जिसका प्रोडक्शन 2024 में स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ 2024 में डीसीयू के गेम्स जो है उनका ही प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और डीसीयू की मेन स्टोरी लाइन के लिए डीसीयू के गेम की जो स्टोरी वो कैनन है, तो एक तरीके से वो भी काफी इंपॉर्टेंट हुए डीसी फैंस के लिए। स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स एंड फिलिप टॉड ने बताया कि इस मूवी में हमें वेरी सैटिस्फाइड कंक्लूजन देखने को मिलेगा, जहाँ फिलिप्स ने ये भी बताया कि इस मूवी में माइल्स, ग्वेन, पीटर बी एंड माइल्स के पेरेंट्स इन सबके बीच का जो रिलेशन है वो हमें और भी इमोशनली डीप देखने को मिलेगा। एंड पर्सनली मैं इस मूवी के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, एंड स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स हमें नेक्स्ट ईयर 2025 में देखने को मिलेगी। सो फाइनली काफी वेट करने के बाद स्ट्रेंजर थिंग का फाइनल सीजन हमें काफी जल्द देखने को मिलेगा। हाँ काफी जल्द तो नहीं, थोड़ा समय करना पड़ेगा, हाँ बट जरूर देखने को मिलेगा ये पक्का है। जहाँ स्ट्रेंजर थिंग का सीजन 5 का जो प्रोडक्शन था वो एक्टर एंड राइटर स्ट्राइक के कारण के वजह से होल्ड पे चला गया था, बट नाउ नेटफ्लिक्स ने स्ट्रेंजर थिंग के कास्ट एंड क्रू की ये इमेज पोस्ट करके ये कंफर्म कर दिया कि स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। और इस पोस्ट से ये भी कंफर्म हो जाता है कि सैडी सिंक सीजन 5 के लिए रिटर्न आएंगे, जहां सीजन 4 में इनके कैरेक्टर मैक्स की हालत काफी क्रिटिकल थी। एंड सीजन 5 स्ट्रेंजर थिंग्स का फाइनल सीजन होगा, बट दैट्स नॉट मीन इसका हमें कुछ नहीं देखने को मिलेगा। इनफैक्ट सीजन 5 के बाद हमें स्ट्रेंजर थिंग्स के जो स्पिन ऑफ है वो देखने को मिलेंगे। और शॉन लेवी ने फैंस को ये कहकर टीज किया कि सीजन 5 और भी ज्यादा इमोशनल होगा, सो भाइयों रेडी हो जाओ आंसू बहाने के लिए। और अगर बात की जाए सीजन 5 की रिलीज डेट, वेल ये चीज अभी तक कंफर्म तो नहीं है, बट एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2025 का ईयर। सो क्या होता है पीकी ब्लाइंडर, जिसके हमें नेटफ्लिक्स पे टोटल 6 सीजन देखने को मिले थे, और सीजन 6 में हमें थॉमस शेल्बी का काफी अच्छा कॉन्क्लूजन भी देखने को मिला था। और उसके बाद नेटफ्लिक्स ने एक धमाकेदार अनाउंसमेंट करी, और नेटफ्लिक्स ने बताया कि पीकी ब्लाइंडर की 2 स्पिनऑफ्स भी और देखने को मिलेंगी। और पीकी ब्लाइंडर के क्रिएटर स्टीफन नाइट रेडियो टाइम के साथ इंटरव्यू करते हुए इन्होंने रिवील किया कि पीकी ब्लाइंडर मूवी की स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, जहां एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पीकी ब्लाइंडर की मूवी की जो शूटिंग है वो 2024 से स्टार्ट हो जाएगी, और अगर सब कुछ ठीक चला तो पीकी ब्लाइंडर मूवी हमें 2025 तक देखने को मिलेगी। और अगर पीकी ब्लाइंडर मूवी की कास्ट एंड स्टोरी की बात करी जाए, वेल इसको लेके अभी तक कोई क्लू नहीं है कि पीक ब्लेंडर की स्टोरी क्या होने वाली और कास्ट में कौन कौन होगा, जहाँ फिलहाल तो हमें अभी वेट करना होगा इन सब चीजों का रिवील होने का। बट क्या आप लोग पीक ब्लेंडर मूवी के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। बॉब ऑडेनकर की बेस्ट एक्शन मूवी नोबडी मूवी, और अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है सच में आप एक काफी मास्टर पीस मूवी मिस कर रहे हो, तो इस मूवी को देख जरूर लेना। एंड नाउ नोबडी 2 मूवी से रिलेटेड काफी अच्छी अपडेट निकल कर आई है, जो अच्छी नहीं काफी जबरदस्त कहूंगा। नोबडी मूवी में जिन्होंने बैगे का रोल प्ले किया था कोनी नीलसन ने, इन्होंने कंफर्म कर दिया कि नोबडी 2
मूवी पे काम चल रहा है, जहां फिलहाल तो ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि नोबडी 2 मूवी की रिलीज डेट क्या होगी। जहां बस कोनी नीलसन ने यही कंफर्म किया कि नोबडी 2 मूवी पे काम चल रहा है और नोबडी 2 मूवी में बॉब ऑडेनकर हमें और भी ज्यादा एक्शन में दिखाई देंगे, जो सच में काफी अच्छी बात है। एंड पर्सनली नोबडी 2 मूवी के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूं। आप हो या नहीं कमेंट में जरूर बताना। गिलर्मो डेल तोरो की अपकमिंग मूवी फ्रैंकेस्टाइन एंड नाउ अपडेट निकल कर आई है कि जहां पहले गिलर्मो डेल तोरो की फ्रैंकेस्टाइन मूवी में एंड्रो गार्लफील्ड फ्रैंकेस्टाइन का रोल प्ले करने वाले थे, बट नाउ ये रोल अब जेकब एलोडी प्ले करेंगे। एंड्रो गार्लफील्ड ने अपने शेड्यूल के कारण से ये रोल छोड़ दिया। वेल जेकब एलोडी का मैं कोई हेटर तो नहीं हूं, बस इतना ही कहना चाहूंगा एंड्रो गार्लफील्ड भाई ऐसे भी कहां बिजी हो गए जो इतना अच्छा रोल छोड़ दिया। अगर दिया अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 मूवी पे काम कर रहे हो तो चलेगा भाई। एमा स्टोन ने रिवील किया कि क्रुएला 2 वर्क इन प्रोग्रेस है अंडर डिज्नी की, जहां क्रुएला 2 मूवी की फिल्मिंग बहुत जल्दी स्टार्ट भी हो जाएगी। और एज एमा स्टोन फैन मैं इस मूवी के लिए एक्साइटेड हूं। आप हो या नहीं कमेंट में जरूर बताना। सोनी ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि गॉड ऑफ वॉर की लाइव एक्शन सीरीज का राइटिंग का काम स्टार्ट हो चुका है और ये सीरीज हमें अमेज़न प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी। जहां अभी तक गॉड ऑफ वॉर की लाइव एक्शन सीरीज की रिलीज डेट कंफर्म नहीं है, बस इतना समझिए कि सीरीज को आने में टाइम लग जाएगा। हाँ थोड़ा बहुत लगेगा, बट लगेगा जरूर। फाइनल डेस्टिनेशन 6 एंड अपडेट निकल कर आई है। फाइनल डेस्टिनेशन का जो 6 इंस्टॉलमेंट है वो करंटली अभी प्री प्रोडक्शन की स्टेज पर है। मींस फाइनल डेस्टिनेशन 6 पार्ट पे ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है। खैर अभी तक फाइनल डेस्टिनेशन 6 मूवी की कास्ट अनाउंस करी गई है और ना ही इस मूवी की रिलीज डेट, मे बी इन फ्यूचर कर दी जाए, और अगर ऐसा होता है तो उसकी अपडेट मैं आपको अपने चैनल पे जरूर दे दूंगा। हाउ टू ट्रेन योर एनिमेटेड मूवी और इस मूवी के ऊपर एक लाइव एक्शन मूवी बन रही है जो अंडर रहेगी यूनिवर्सल पिक्चर के, जहां इस लाइव एक्शन मूवी में हेकअप का रोल प्ले करेंगे मेसन थैम्स। और इस लाइव एक्शन मूवी में गैरेट बटलर को भी कास्ट किया गया है, जहां बटलर रोल प्ले करेंगे टॉक्स दी वास्ट का, और एनिमेटेड मूवी में इस कैरेक्टर की वो वॉइस भी दिया करते थे। एंड हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन लाइव एक्शन मूवी की रिलीज डेट है June 13, 2025। सो भाइयों अपडेट वासी का सिलसिला यही रोकते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आई होगी, जो खैर आनी तो चाहिए। अगर आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन भी जोर दबाना। सो भाइयों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू टॉपिक के साथ।